हे गाइस, गुड आफ्टरनून करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। भाई बारिश हो, बाहर मौसम एकदम चेंज हो गया बढ़िया सा। और डॉली अभी भी बिल्ली बना के हटी है। और मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ भाई साहब फ्राई पैन लेके आया। अब गर्मी है, बच्चों को लग रही थी बढ़िया सी, एक क्रेविंग हो रही थी खाने की। क्या क्रेविंग हो रही थी, ये पिस्ता वाली जो कुल्फी है, फलूदा है, वो लेकर आया हुआ था। मैंने कहा चलो इसको बना लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फ्राई पैन ले लिया एक बढ़िया सा पैन, इसमें आधा लीटर दूध डालना है, दूध को रिड्यूस करना है, 300 ग्राम दूध रह जाएगा तो ये पाउच डाल देना है। बस 5 मिनट के लिए इसको मिक्स कर रहे हैं। और ये पिस्ते वाला फलूदा, रबड़ी फलूदा, बादाम वाला, ये बनकर हो जाएगा तैयार। मैंने कहा चलो बना लेता हूँ। बाहर का मौसम गाइस एकदम चेंज हुआ है एकदम, मतलब डॉली ने भी रील बनाई थी कि हनुमान जी प्रकट हो जाओ और सूरज देवता को निकल लो। और थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल हल्की सी बारिश हुई है और मौसम बिल्कुल एकदम बादल वाला हो गया। बाहर का मौसम दिखा देता हूँ मैं आपको, पहले क्या आंधी तूफान वाला मौसम हो गया। तो उन्होंने पीछे मैंने कहा शायद आवाज मारी डॉली ने। ये देखो बाहर का बिल्कुल आंधी तूफान वाला मौसम हो गया, ये दिखाई दे रहा है आपको, क्या मस्त वाला, बिल्कुल धूल धूल हो गई। दूध मैंने रख दिया रिड्यूस होने के लिए, गैस तो चला दो। हाँ मैंने इधर रखा था, देखा इसको गैस चलाया नहीं, दूध रख दिया। अरे मैंने इधर मुझे रोटी है। आपको कम से कम भी 10 में से कम से कम भी 12 नंबर माइनस 0 नंबर मिलेगा। 0 नंबर ये मतलब गैस ना चलाने का। चला तो दिया ना। ये दिखाने जरा पाउच, ये रहा जी पाउच। ये है सेवइयां है, ग्रीन कलर है, पिस्ते वाला, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। उनको थोड़ा सा हम डाल देंगे यार, दूध उबल गया हमारा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये आधा किलो का 300 ग्राम रह जाएगा, फिर ये पैकेट डालेंगे हम इसमें। दूध रिड्यूस हो चुका है, अब जो ये पैकेट है, पैकेट जा रहा है जी। इसके अंदर सेवइयां है और ये चीनी है, सारा जो कलर वाली चीनी है, सारी चीजें इसमें चले गई हैं। अब इसको करेंगे मिक्स। बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया, ये सेवइयां हैं, ये क्या मस्त वाला। चिया सीड्स भी है यार इसमें, चिया सीड्स भी है। इसमें गोंद कतीरा भी डाल देंगे ना, बिल्कुल एकदम मस्त वाली ठंडी ठंडी आइसक्रीम बन जाएगा रबड़ी वाला, और मस्त। और एक ट्विस्ट और डालेंगे इसमें, मिल्क केक ले आएंगे या रबड़ी ले आएंगे, वो डाल देंगे साथ में, बनी बनाई सबसे बेस्ट है। ये रिड्यूज हो रहा है, इसमें आ गया बढ़िया सा उबाल, जो सेवइयां थी वो भी पक गए। डॉली दूध वगैरह इसमें, चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। बिल्कुल अच्छा। कलर भी कितना प्यारा है ग्रीन सा, है ना। और गाइस ये रबड़ी फलूदा जो हमारा बनकर हो चुका है बिल्कुल तैयार, इसको ठंडा करेंगे और फ्रीजर में डालेंगे, फिर करेंगे सर्व। गाइस जब मस्त बना, इसको ठंडा करेंगे अच्छे तरीके से, बढ़िया से सर्व करेंगे पिस्ता रबड़ी आइसक्रीम के साथ या रबड़ी डालकर, बहुत बढ़िया लगेगा टेस्ट। टाइम हो चुका है इस टाइम 6:15 हो गए हैं भाई साहब, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैडम जी तैयार हो रही है मैडम जी, और ये हमारा छुटका भाई साहब, चल रहे हैं अपने। तो मैंने कहा चलो यार बाहर थोड़ा सा घूम आते हैं, मौसम थोड़ा सा सही हो चुका है। अब जा रहे हैं कहाँ पर, पता नहीं कहाँ पर जा रहे हैं जी, देखते हैं मिलते हैं आपको। ये तो भाई आने का टाइम नाम नहीं, लेट चल लो भैया। बिल्लू भयंकर, बिल्लू भयंकर बन गए। बाहर का मौसम देख लो कैसा हो गया। रेल का पानी की बॉटल ले लिया, बाहर गर्मी है। ये रेल का इंजन है भाई साहब, कहीं भी स्टॉप हो जाता है इसका, अभी तक आई नहीं है। जल्दी आ जाओ प्रभु से। मैंने कहा यार पानी की बोतल ले लिया, पानी तो चाहिए चाहिए, घर का पानी, घर का पानी होता है। चले जी बाबू, देखो आप कलर, आप देखो जो आपको पसंद आ रहा हो। आपने कैसे लेना कलर, लाइट में लेना है डार्क में लेना है? लाइट है कमरा, आपको कैसा लेना भैया, लाइट डार्क है ग्रे में? ये देख, ग्रे में देखो, ग्रे में कैसा है, पर वॉल के हिसाब से चाहिए ना। ये वॉल के हिसाब से, ये देखिए वाला ग्रे, ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है ये वाला, है ना, अच्छा लग रहा है डॉली वाला। कमरे की दीवार है क्रीम कलर की है, तो उस हिसाब से नहीं, क्रीम का नहीं, ये ग्रे, ये वाला के अंदर को डार्क चीज हो वो आ गया पसंद। जो छोटा सा एसी वाला है उसमें लगवाना है, इनके एसी वाला भी नहीं, एसी वाले के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा यार। ना 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 ना, ये वाला डॉली को ये वाला पसंद आ गया जी, स्वास्थ्य को वो वाला पसंद आ रहा है, वो वाला ले जाओ एक बार। कौन सा लेना है? अच्छा इधर दोनों डिजाइन ले लो एक बार। कौन से वाला डिजाइन, ये वाला डिजाइन पसंद आ रहा है? ए ओपन करके दिखाना, एक बार ओपन करके दिखाना, अनु ए वाला पसंद आ रहा है यार इसकी। काकू ये ना बेटे दीवार पे ना बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा बाबू, ऊपर वाला ऊपर तो लाइट है, क्रीम कलर ये पूरा आ रहा है, सही कह रहा है, ये क्रीम कलर है दीवार। तो ये लेना, ये ले लो, ये वाला ले ले, नहीं बता फटाफट मुझे, यही ले ले डॉली। हां ये वाली ले, अभी आप ऑर्डर अभी दे दोगे कल दोगे? मैं अभी दे दूंगा यार, मेरे पास टाइम नहीं है यार। एक बार सोनी भाई को दिखाना है कलर, क्या डिसाइड हुआ पता नहीं, अब दोनों लेके जा रहे, देखते कौन सा। ये वाला काकू का, गाइस काकू पसंद है, काकू को ये
एक बार कमेंट, एक बार कमेंट्स करके बता देना तो गाइस काकू लगाने के बाद ही पता चलेगा। आ रहा है काकू को ये पसंद आ रहा है और डॉली को ये पसंद आ रहा है। भाई मेरे को तो जो आएगा वही पसंद आ जाएगा। ये दोनों को लाना बड़ा मुश्किल वाला काम है। पसंद कोई नहीं आ रहा। देखो बच्चे आने से डिपेंड होगा सारा कुछ। हां नहीं बच्चे तो है, बीबी दी भी तो सुननी है, रोटी नहीं मिलेगी भाई साहब कह रहे। अच्छा नहीं रोटी तो खैर मैं ही बना लेना है, सभी मैं बना लेना है। हाँ जी ये डल डल सा मैट मैट से लग रहा है यार, ये डल हो जाएगा। हाँ इसी टाइप का थोड़ा शाइन वाले सही लगेंगे यार। चलो आओ बाबू, बाबू वगैरह मत देखना बिल्कुल भी भाई। बड़े बड़े हो गई है काफी। वो वाला निकलवा लो, ये वाला इस फोटो ले जाओ। ब्राउन वाला, ब्राउन के साइड में कौन से वाला? ये वाला लाइट वाला निकाल दो जी। ये वाला लाइट वाला लाइट डार्क देख ले, अच्छा लगेगा, डार्क नहीं अच्छा लगेगा। काकू को जो पसंद है वो है ही नहीं। अब जो तेरे वाला तो निकल गया, आप ये वाला भी निकाल दो यार। एक कौन सा वाला, लाइट वाला डार्क वाला? नहीं हाँ लाइट अच्छा लग रहा है ये वाला लाइट। उसको कल भैया को बोलो लाइट वाला निकाल देंगे। भैया लाइट वाला दे दो। जाओ एक बार बोल के आ जाओ डॉली। ये वाला भी अच्छा निकालना, कौन सा? ये वाला नहीं, ये ग्रे और वो प्रॉपर आ रहा है। ये भी ग्रे और वो प्रॉपर वाला आ रहा है। इसमें ग्रे और फॉन कलर का दोनों शेड है। सामने जो वॉल वाला शेड आ रहा है आपका। चलें जी अब चलो। आओ प्रभुदेव आओ। फिर के भैया हम आ चुके हैं, मम्मी के घर से आ चुके हैं, पर्दे भी लेने आ गया है। अब दोनों के दोनों जो है ना कटल्स में ले आया हूँ भाई साहब। एक ये वाला है और ये वाला तो पसंद आया है, ये काकू का है। मेरे को यही वाला पसंद आ रहा है आज। काकू की पसंद पसंद आ रही है, डॉली की पसंद नहीं पसंद मुझे। वही बात है, काकू की पसंद ले लो। ये वाला अच्छा लग रहा है, इधर आके देखो आप। हमका कुछ पता नहीं, कितनी गर्मी बाहर गाइस, इतनी ह्यूमिडिटी हो रखी है ना। बारिश हो गई थोड़ी सी, ह्यूमिडिटी हो रखी है। ज्यादा बारिश होना भी बेकार है। बारिश होता तो फिर ज्यादा ज्यादा है। भाई कॉटन की हां, बैक कैमरा ज्यादा अच्छा लग रहा है काकू वाला भाई। डार्क वाला धागे तो नहीं निकलेंगे ना? नहीं निकलते, कॉटन का ही कर दे। नहीं निकलेंगे ऐसे करके, वॉल पे करके ऐसे लगा के दिखाइए सामने जाके एक बारी। ये वाला डार्क वाला, डार्क वाला, डार्क वाला। दोनों अपने अपनी जगह लगाना चाहिए ना दोनों। पहले एक तो लगा देना। कैसे लगाओ, मेरा हाथ तो पहुंच गए नहीं। हां ऐसे कैसे? ऐसे सही लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ऊपर रोड के लगाओगे ना तो पता चलेगा कितना लगाना पड़ेगा। सवा आठ हो गए, दो घंटे हो गए हमें। वो वाला दिखाओ साथ में, काकू ये दिखाइयो मम्मी को। पता नहीं तो ये देखो जरा कैसे लगा रहा है इसको। ऊपर से बाबू, ऊपर से इस साइड खड़ा हो, डिजाइन ऊपर दिखाइए। हां ऐसे जैसे मम्मी खड़ी हुई है साइड में, खड़ा होकर लगा के दिखा। ये सर डबल पड़ाना है। रुको ऐसे क्या हुआ? कुछ नहीं, पॉपट लाल हो गया। पॉपट लाल हो गया, गई भैंस पानी में। ऐसे नहीं, ये पसंद आया आपको? वो वाला देखो, आप मेरी कभी पसंद देखते ही नहीं हो। खुद का पसंद कर लेते हो, काकू का पसंद कर लेते हो। मैं कहती मेरे नाम से आप कहते हो ये डॉली की पसंद है। डॉली की मुझे पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आई तो फिर ज्यादा सियाणा मत बना करो। आपकी पसंद डॉली की पसंद कोई और भी है। अच्छा जो दुनिया पसंद करती है। अच्छा पति जी, ये लोग डिमांड करते खाना बहुत अच्छी है। डिमांड करते हैं खाना बनाने के लिए, घर में जाओ खाना बना के आओ। गर्मियों में सारा दिन ही खाना बनाते रहने दो। फिर वो वाला ले आएंगे अब, छोड़ पड़े आप। ये ना वो काकू ठीक है वो वाला सही है। मम्मा को पसंद है, सोनी मम्मा को वो वाला ले लेंगे, अच्छा लग रहा है। चल ठीक है दिखा देते हैं। इन्होंने चॉइस ही सारी गेम ही चेंज कर दिया आके भाई। गेम ही चेंज हो गया। मैं कल बुलाता हूं यार, अपने वीडियो बना के लेके चलते हैं फिर। यार इतने बड़े दोगे कौन वीडियो बनाता है? अब ये तीन दो एक कोई दो नहीं, आपको वैसे दो तीन तो लेने हैं ना। मेरे को दो तीन जोड़े लेने हैं। वो ले लिया, कुछ और ले लेंगे ना इससे अलग। यानी कि दो दो कटन्स लगे, यानी कि चार कटन्स हो गए अलग अलग तरीके के। उसी की मैचिंग आप इसका कवर भी बना देना। अभी अभी ये वाला ले लेते हैं, चार ले लेते हैं कटन्स। फिर 15-20 एक महीने बाद फिर चार और ले लेंगे। फिर एक महीने बाद यानी कि कम से कम चार पांच जोड़ी ले लेंगे। हर दो ढाई महीने में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, ये तो सही रहेगा। अलग अलग लगा देगा। हाँ ये इजी वॉश है, घर में भी वॉश हो जाएंगे। ऊपर से जो रिंग लगे है ना, भैया कहते हैं इसे कपड़ा बांध के वॉश करना, जो पट्टी लगी हुई है ना। डाउट है कि खराब नहीं, वो कहते हैं मशीन से लग जाता है और इसको उसके ऊपर कपड़ा बांध के। हाँ इतना हिस्सा धोऊंगी नहीं।
बाहर रख दूंगी मशीन में, बाकी हिस्सा डाल दूंगी इसको बांध के ना लटका दूंगी बाहर की तरफ। वो नेट वाले देखे थे फिर वो दिवाली पे ले आएंगे, नेट वाले बड़े प्यारे, नेट वाले बाद में ले आएंगे ठीक है ना। अच्छा भाई ऐसा काम भी हो जाता है, ये देख लो ये मैंने ना स्पेशल मैंने मना किया था, इसके साथ देखो जरा मेरा ट्रे ही तोड़ के दम लेंगे ये। नहीं ट्रे नहीं टूटती भाई, बर्फ का ट्रे इतना सही मजबूती है ये, बिल्कुल टाइट हो गए सवैया बनाई थी, मैंने मना भी किया था मत करो ये काम। ये देखो गाइस ये देखो चिपक गया इसके साथ। ये मैंगो पुडिंग है, बढ़िया सी मैंगो पुडिंग आई है, पल्प है मैंगो का और क्यूब्स है मैंगो के, ये देखो जी और साथ में चीज केक है मैंगो वाला, मैंगो वाला चीज केक है। डॉली खा के देखो भाई, इधर आओ भाई, काकू सफाई अभियान बाद में करना, पहले ये खा के देखो जल्दी 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 जल्दी। ये किसी ने भेजा है भाई साहब, ये खा के बता दो किसने भेजा, आपके स्वाद पता लग जाएगा ये स्वाद किसका है। मैंगो पुडिंग है और ये चीजें हैं। तो गाइस मासी सही पकड़े हो, तो गाइस मासी ने बनाई है बढ़िया सी डिश, मैंगो पुडिंग है, नीचे घर पे बनाई हुई है, बड़ी शानदार है। अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ। हमारे उसका क्या हाल चाल है यार, हमारे उसका बहुत अच्छा हाल चाल है, दिखाओ। ये देखो इसमें आप कुछ ऐड करो, इसमें आप जम गया था, अब नॉर्मल सही तरीके से ये सेट कर, ये देखो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी चीज डालनी है डालो करो सब कुछ। इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जो हमने गोंद कतीरा रखा है वो डाल सकते हो, हाँ, आइसक्रीम भी डालो, सारा कुछ डालो, रबड़ी वाली आइसक्रीम वगैरह करवा दो, स्मूथ हो जाएगी ना, बहुत मस्त। मासी का चखवाओ। तो ऐसे सारे केक पड़े हुए हैं, भैया की दुकान से केक लेने आया था भैया, एक बारी केक दिखाना। दिखाना एक बारी केक, ये देखो ये रहा केक। तो गाइस आज अभिषेक का बर्थडे है, इधर आए हुए हम कैफे में, हिप्पी बस कैफे, इन दोनों को देख लो फोटो खींचे जा रहे हैं, बाकी पूरा खाली कैफे है, ऐसा लग रहा है इसके बर्थडे के लिए बुक करवाया है। हाँ गाइस मेरे लिए ये पूरा कैफे बुक करा रखा है इन लोगों ने। हाँ ये देखो हिप्पी बस कैफे में आए हैं, अभी खाना आएगा तो फिर दिखाते हैं खाना, हम क्या क्या खाएंगे, क्या क्या हम फन करते हैं आपको दिखाएंगे। यस अब तुम खींचते रहो, गाइस खाना आ गया, क्या क्या आया, पेरी पेरी फ्राइज, पिज्जा और शेक, हाँ अभी और काफी कुछ मंगाया है हमने, ये देखो खा रहे हैं। हाँ भाई तेरा बर्थडे है। तो गाइस अब पास्ता भी आ गया है, ये देखो बर्थडे बॉय खाते हुए, और ये पता नहीं फ़ोन पे क्या बातें करी जा रही है तब से, चुप। तो गाइस अब यहाँ का स्पेशल बर्गर आया है और सार्थक खा के बताएगा कैसा है ये, इतना बड़ा एक बारी में, और ये इतना बड़ा बर्गर है एक बार में खाना तो पॉसिबल नहीं है, बट सार्थक ट्राई करेगा, थोड़ा सा खा के बताता कैसा है सार्थक। अब गाइस और ये लोग बैठे हुए हैं, इनके लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं अरेंज, बाकी अब कोशिश तो ये है कि इनको नहीं खिलाना कुछ, इन्होंने बहुत खा लिया है, इन्होंने बहुत लेट किया। हाँ इन लोगों ने ना आज बहुत लेट किया है, तो हम लोगों ने सोचा कि इस लड़की ने सबसे ज़्यादा लेट किया, तो हमने सोचा कि इसको सजा देंगे, इसको कुछ खाना नहीं देंगे, तो फिलहाल आपने अभी हमने कुछ नहीं दिया है। गाइस अब ये लास्ट आइटम आई है मोमोज, ये देखो ये सब एक एक करके फोटो खींचे जा रहे हैं, हमारे पेट में जगह ही नहीं बची है, वैसे तो हमारा पेट ऑलमोस्ट फुल है, देखते हैं खाते हैं नहीं तो पैक करा लेंगे। हाँ अगर हम खा पाए तो ठीक है, वरना हम पैक करा लेंगे। तो गाइस ये देखो इसका केक रेडी कर रहे हैं, खुद ही बैठा हुआ है, ये देखो ये, हाँ ये देखो ये केक थोड़ा इधर भैया को दिया था फ्रिज में रखने के लिए, भैया ने गिरा दिया। हाँ भैया ने केक गिरा दिया, वैसे तो केक बहुत अच्छा था, वीडियो में दिखाऊंगा मैं कि केक कैसा था, बट कोई नहीं अभी केक कटिंग करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्ट्रॉबेरी शेक, ये भी मेरे भैया है जो खा रहे हैं। और चलो गाइस केक तो बहुत अच्छा है, चॉकलेट टफल था, बट इस बेचारे केक की थोड़ी हालत खराब हो गई है, भैया ने गिरा दिया पर कोई बात नहीं, इन्होंने कुछ उम्र बना दिया बट कोई बात नहीं, दिमाग से। तो भाई बस केक काटने की देरी थी, ये देखो शुरू हो गया केक खाना, ये देखो अपने बर्थडे का केक ही खा रहा है। थैंक यू सार्थक केक खाने के लिए, वेलकम भाई, ये देखो इसका हाथ जा नहीं रहा,
और एक केक खा रही है मधु। तो गाइस अभी मिलते हैं केक खाने के बाद, बस अब यहाँ से निकलेंगे केक खा के, उसके बाद घर की तरफ चलते हैं। गाइस सुबह एकदम धूप धूप थी, बट अब देखो एकदम तेज बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। हमें लगा कि मेरे घर के बाहर नहीं हो रही, बट पापा का फोन आया था तो घर के बाहर भी बहुत तेज हो रही है। अभी स्नैप बनाते हैं बाहर से कि बारिश बहुत तेज हो रही है। रुको, ये देखो इतनी तेज हो रही है, बारिश में भीगने मत जाइयो। ये देखो जिस जो इसे बोलो उससे उल्टा ही करती है। ओए बारिश हो रही है भाई, आप कितनी देर में निकलेंगे भाई, बारिश शुरू हो गई है। तो गाइस अब मेट्रो पे आ गए हैं और इधर तूफान आ रहा है। कैसी हवा आ रही है बता, कैसी हवा आ रही है? मस्त आ रही है, मिट्टी वाली हवा आ रही है, मिट्टी वाली। बैठ जाएंगे फटाफट, ये बर्थडे बॉय जा रहे हैं। बाय 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 बाय। फिर लगाइए, पहले बताओ कैसे क्या है क्या ये? ये सेवैया है, वनीला आइसक्रीम मैंने डाल दी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो दे दिया, गोंद कतीरा है, ड्राई फ्रूट है काजू पिस्ता बादाम, और चेरी है, किशमिश है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी वाली चेरी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। इसकी पुडिंग पुडिंग स्टाइल में बन गया, ये कस्टर्ड जैसे होता है ना, मतलब कस्टर्ड क्या सेवैया के ऊपर आइसक्रीम डाल के बढ़िया सी दिखा। हाँ अच्छा बना है, चलो बढ़िया भैया खा के देख लिया। फ्रिज में रख दे ठंडा हो जाएगा, फ्रीजर में रख दे इसको, फ्रीजर में रख दे ठंडा ठंडा हो जाएगा, खा लेगा ये पिघल जाएगा जल्दी। सबको दे दिया, सबको दे दिया, सबको पसंद आई है। चल आ जाए हम भी प्लेटिंग करते हैं, हमने प्लेटिंग भी नहीं किया, प्लेटिंग करेंगे। आइसक्रीम सज गई है बढ़िया से तरीके से, सजा दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिया है, गोंद आइसक्रीम। नीचे क्या है? नीचे सेवैया है, मतलब फलूदा फलूदा वाली आइसक्रीम। ये बताओ ना प्रॉपर खा के देखो, नीचे से नीचे से खा के देखो, नीचे से नीचे से उठाओ पूरा। आप भी खा के देखो भैया, सबको दे दी मैंने नीचे। अच्छा आप प्लेटिंग किया, सबको देने के बाद प्लेटिंग किया। सही बनी है ना, फ्लेवर आ रहा है मस्त वाला, बहुत टेस्टी है। वाओ बाबू आप बहुत अच्छे हो। बाबू चेरी खा लो, बाबू मेरा बाबू। नॉली इंस्टाग्राम की रील बना के ना बाबू बाबू ये सब। बाबू सबकी जुबान में है, बाबू सही बना है। बाबू अकेले खा लोगे अब सारा, हम कहाँ जाएंगे बाबू? खाले खाले ले पेट तो बाबू बुखार हो गया, बाबू का बुखार हो गया, बाबू का बुखार, मेरा बाबू बाबू फीवर, बाबू फीवर हो गया मम्मी को। कोई बात नहीं अब खाओ, हम खाएंगे साथ तक भी खाएगा मेरा। चलो आप खाओ, और पड़ी हुई है भाई, खाओ बड़ा बड़ा। मुझे आपको खिलाऊं? नहीं। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड मीठे के साथ, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सब मीठा मीठा बाय बाय बाबू, अभी मैं कर रहा हूं। ये लीजिए बाबू को खिला दिया आपने। बाबू कैसा लगा बाबू जी? बाबू किसने बनाया? आप ही बनाओगे, कौन बना सकता है? अच्छा मैंने बनाया, इतना टेस्टी बाबू ने बनाया, आधा रेडीमेड, जब लगभग रेडीमेड ही है। बाबू ने बाबी को खिलाया, ज्यादा रेडीमेड ही है। वनीला जो अमूल की आइसक्रीम है वो भी रेडीमेड लाया है, सेवैयों को मैंने पकाया अच्छे ढंग से, मतलब सैंबल किए हैं, चीजें सैंबल की है इसको, प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, तो अच्छी बात है। चलो तो गाइस इसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, हमारी इंस्टाग्राम आईडी काकू फैमिली फटाफट फॉलो कर लो, बहुत अच्छी रील, जल्दी जल्दी जाके, बहुत अच्छी रील बनी है इसमें। बाय बाय।